नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का YT एजुकेशन में। रोज सुबह के 9 बजे हर दिन आपको अलग अलग टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और ये प्रश्न आपके आने वाले आगामी जितने भी परीक्षा हैं, बिहार दरोगा, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर RRB, NTPC, बैंकिंग, रेलवे, हर तरह के जॉब नोटिफिकेशन जो आते हैं उसके रिगार्डिंग ये वीडियोज आपको सुबह में दिए जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है अर्थव्यवस्था से, तो अर्थव्यवस्था के कुछ कठिन प्रश्न लेकर आए हैं, लेकिन डरना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि चीज़ों को आप आंसर करना सीखें, टेस्ट देना सीखें, तभी आप वहाँ पे एग्जाम में भी टेस्ट कर पाएंगे अच्छे से। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। 50 प्रश्न है लेकिन कट ऑफ मैंने रखा है सिर्फ 20 का, 50 में सिर्फ 20 सही करके देख लाइएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके ना तो सिर्फ बैंकिंग में बल्कि आपको जानना भी जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के अलावा अपने फैमिली मेंबर को भी जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी भारत की अर्थव्यवस्था जो कि अभी बहुत ही बुरी स्थिति से गुजर रही है उसके बारे में जानेंगे। ऐसे प्रश्न मैं आपको लेकर आया हूँ जो कि आपके आने वाले आगामी परीक्षा में तो आएंगे ही, लेकिन पिछले कई वर्षों से लगातार ये ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से दोस्तों। जी हाँ, आज का पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, रेपो रेट क्या होता है। देखिए, रेपो रेट यानी कि रेपो दर वह दर है जिस पर, आपके सामने चार ऑप्शन है, आप आंसर लगा सकते हैं, किसको कहते हैं रेपो रेट, बताइए। ये बैंकिंग से जुड़ा प्रश्न है ना, यहाँ से क्वेश्चन SSC में भी पूछे गए हैं, रेलवे में भी पूछे गए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स C। भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को ऋण देता है जिस रेट पे, जी हाँ, जिस दर पे RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। तो RBI जिस रेट पर अन्य किसी भी बैंक, चाहे वो बैंक नेशनलाइज्ड हो या फिर प्राइवेट बैंक हो या फिर वो बैंक एक कमर्शियल बैंक क्यों ना हो, ठीक है, तो उन सभी बैंकों को अगर ये ऋण देता है तो ये होता है दोस्तों, जिस रेट पे वो ऋण देता है वही रेपो रेट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियों बेचने पर निम्न में से क्या होता है। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का द्वारा खुले बाजार में, ओपन मार्केट में, जब इसकी जो टर्म्स हैं वो बेची जाती हैं, यानी कि प्रतिभूतियां इसकी बेचने के निम्न में से को क्या कहते हैं इसको। बिल्कुल, अगर आप उत्तर कर रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, मुद्रा की आपूर्ति घट जाती है, ये देखिए घाट लिख दिया गया है यहाँ पे, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग मिलेगा आपको यहाँ पे जल्दी टाइपिंग में, ठीक है, तो मुद्रा होगा यहाँ पे पहले, तो मुद्रा की आपूर्ति क्या होती है उसमें, घट जाती है। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं दोस्तों। नवाड, NABARD, नवाड किसका नाम है। चलिए, नाबार्ड क्या है एक तरह का वो बताना है आपको, तो कृषि सहायक विशिष्ट बैंक है ये। ठीक है, क्या है, किस तरह का बैंक है ये, तो कृषि सहायक विशिष्ट बैंक है नाबार्ड। ओके, चलिए चलिए, इसका आप लोग फुल फॉर्म बताइएगा दोस्तों। नाबार्ड का फुल फॉर्म मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं दोस्तों। न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत नोट जारी करने वाले एकमात्र प्राधिकारी के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक को कम से कम कितने मूल्य की परिसंपत्तियां रखनी होती हैं। देखिए, अभी हमारे देश में अभी बहुत ही हालात खराब हैं, ठीक है, इकोनॉमी को लेकर, तो यहाँ पे वही स्थिति बनी हुई है, जब न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत नोट जारी करना हो अगर सरकार को, तो एकमात्र प्राधिकार के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के पास कम से कम 200 करोड़ रुपए होने चाहिए। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या कर लेंगे, सी कर लेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, किस बैंक के द्वारा किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। बैंक के द्वारा इसको लोन दी जाती है किसानों को दीर्घकाल के लिए, कि इनको कोई भी दिक्कत ना हो, लोन वोन का कोई टेंशन ना हो, तो ये होता है दोस्तों भूमि विकास बैंक, बी इज द राइट आंसर, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन अगर आपको यहाँ पे सही नहीं हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आज कठिन थोड़ा सा लगेगा क्योंकि इकोनॉमिक्स का ये आज चैप्टर लेकर आए हैं और ये टॉपिक आपके BPSC और बिहार दरोगा, बिहार ESI हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, भारत में भारतीयों के द्वारा वर्ष 1881 के स्थापित हुआ था उनके प्रबंधन में चलने वाला समिति, जी हाँ, देयता का प्रथम बैंक था, देयता यानी कि देने वाला, ठीक है, वो था दोस्तों अवध कमर्शियल बैंक, नोट कर लीजिएगा, कौन था दोस्तों,
चलिए अवध कमर्शियल बैंक इज द राइट आंसर, 1881 में स्थापित किया गया था, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से वह बैंक कौन सा है जिसका नाम एक नदी के नाम पर रखा गया, इन चार में से, देखिए आपको इन चार में से बताना है। तो प्रथम कोई नदी का नाम नहीं है, ना ही थार है, थार तो एक मरुस्थल है, उसके नाम पे भी है, लेकिन ध्यान रखिएगा थार और औचालिक ग्रामीण बैंक और अरावली क्षेत्रीय बैंक, ये एक पर्वत के ऊपर नाम है, लेकिन वर्धा जो है एक नदी है, ठीक है, तो आंसर बी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष क्या होता है। तो लेखा वर्ष देखिए जनरली जून जुलाई और जून जुलाई होता है, ठीक है, याद रखिएगा जुलाई से लेकर अगले जून तक होता है लेखा वर्ष, जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। लेकिन इस साल 2019 नहीं कह सकते, 19 नहीं 20 कहिए, ठीक है, 2020 का जो सेशन है और 21 का, ये बहुत ही स्थिति खराब है ड्यू टू कोविड-19, और इसलिए अब इसको सेप्टेम्बर किया गया है, नेक्स्ट सेप्टेम्बर से ये वित्तीय लेखा वर्ष जो है वो शुरू होगा इस साल का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं दोस्तों, बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, इसे क्या कहते हैं। बिल्कुल, इसको कहते हैं SLR, क्या कहते हैं दोस्तों, इसको सावधिक तरल अनुपात कहते हैं, सैचुरेटेड लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का निर्गमन विभाग सभी छपे गए नोटों के विरुद्ध क्या अपनाता है। बिल्कुल, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली को अपनाता है, ए इज द राइट आंसर, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, बैंकों को, दोस्तों यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन समझिएगा, बैंकों को कर सस्तीकरण, ठीक है, कर यानी कि टैक्स है ना, निम्न में से किन उद्देश्य के लिए किया गया था। तो धन के संकीर्ण को रोकने के लिए, जी हाँ, धन के संकीर्णीकरण को रोकने के लिए, ए यहाँ पे उत्तर कर लीजिएगा, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, दोस्तों वर्ष 1921 में बंगाल, चेन्नई और मुंबई के प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलकर एक नया बैंक बनाया गया था, बाद में उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, उस बैंक को नया नाम भी दिया गया था, वह नाम क्या था। चलिए आंसर कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछा गया है SSC में और रेलवे में भी पूछा गया यह प्रश्न, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, बिल्कुल उत्तर सही कर रहे हैं, अगर आप सी उत्तर कर रहे हैं यहाँ पे तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नगद आरक्षण अनुपात को बढ़ाने के निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है। तो भारतीय यानी कि RBI के द्वारा अगर नगद आरक्षण अनुपात बढ़ाया जाए यहाँ पे, ठीक है, तो मुद्रा की आपूर्ति घट जाएगी भाई, ठीक है, बिल्कुल बी इज द राइट आंसर, जिनका उत्तर बी आ रहा है नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, हाल ही में वर्षों में भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा बाजार को प्रभावित करने के लिए किस उपकरण का निर्भरता बढ़ाई है, यानी कि किस पे डिपेंडेंसी इनकी बढ़ी है RBI की बाजार में क्या करने के लिए, तो मुद्रा बाजार को प्रभावित करने के लिए, बिल्कुल ये खुले बाजारों की क्रियाएं को बढ़ाए हैं दोस्तों, सी यहां पे उत्तर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं, नरसिम समिति ने देश के बैंकिंग ढांचे को कितने स्तरीय बनाने का संशोधित किया था। चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, 4, सी इज द राइट आंसर, नोट कर लेंगे यहां पे। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI एक केंद्रीय बैंक है, हमारे देश का सेंट्रल बैंक है, जो कि इसके नीचे सब कुछ होता है, यानी कि जितने भी बैंक हैं इसके अधीन चलते हैं, चाहे वो कमर्शियल बैंक हो, वाणिज्य यानी कि वाणिज्य बैंक हो, या नेशनलाइज यानी कि राष्ट्रीयकृत बैंक हो, या कोई प्राइवेट सेक्टर का बैंक ही क्यों ना हो, वो RBI के गाइडलाइंस पे ही चलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित शाखा का नियंत्रण कौन करता है। व्यापारिक बैंकों के द्वारा जनित शाखा का नियंत्रण करता है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक RBI, ठीक है। अच्छा, RBI का गवर्नर कौन है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, बिल्कुल कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे दोस्तों ये हैं हमारे, जी हाँ, शक्तिकांत दास, ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप लोग यहाँ पे, शक्तिकांत दास हैं यहाँ के गवर्नर अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे 18, भारत में किस प्रकार की वाणिज्य बैंकिंग की व्यवस्था है। भारत में किस प्रकार की वाणिज्य बैंकिंग की व्यवस्था है, तो ये है दोस्तों शाखा बैंकिंग की, नोट कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक कौन सा है अभी। चलिए कमर्शियल बैंक है सबसे बड़ा SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों, हेडक्वार्टर, तो याद रखिएगा इसका भी हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है दोस्तों।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। दोस्तों भारत सरकार ने देश को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। चलिए कब किया था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण? बिल्कुल जुलाई 1969 में हुआ था। लेकिन ये जो सरकार आई है, यहाँ पे जाहिर सी बात है कि जब इकोनॉमिक हमारी घटेगी, यानी कि जब हमारे देश की अर्थव्यवस्था गिरेगी, तो बैंकों का मर्ज होना ये जायज़ होगा, जिसमें यहाँ निर्मला सीतारमण ने दो बार अपने कार्यकाल में बैंकों का मर्ज किया है दोस्तों, ठीक है। लेकिन ये 1969 की जो बात है, जो उस समय इसमें राष्ट्रीयकरण किया गया था, वो भी कुल 14 बैंकों का, और ये उन 14 बैंकों को अब यहाँ पे में 10 ऐसे बैंक थे जिनको कि यहाँ पे मर्ज किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 21 पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक निजी बैंक है? जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग यहाँ पे, निजी बैंक यानी कि, चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, पंजाब बैंक, ठीक है। पंजाब बैंक है एक प्राइवेट बैंक, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक मत समझिएगा, ये पंजाब बैंक अलग है जो कि पंजाब में है, ये एक प्राइवेट बैंक है, निजी बैंक यानी कि प्राइवेट सेक्टर का बैंक। 22 दोस्तों, आईडीबीआई भारत का कब स्थापित हुआ था? आईडीबीआई बैंक जो है भारत का एक औद्योगिक विकास बैंक है, तो ये स्थापित हुआ था दोस्तों 1964 में, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर, जिसका सी आ रहा है सही करिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वित्तीय संस्था नहीं है? वित्तीय संस्था, देखिए बैंक तो एक वित्तीय संस्था हमेशा रही है, तो इनमें से वित्तीय संस्था कौन नहीं है? तो IIPA, ठीक है। आंसर क्या करेंगे? डी। ये बाकी तीनों बैंकिंग और नकदी लेन देन से रिलेटेड है, लेकिन IIPA नहीं है, इसलिए ये वित्तीय संस्था नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में ऋण नियंत्रण का प्रचालन किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? बिल्कुल 24 का आंसर कीजिएगा, RBI के द्वारा, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन एक क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस जो क्वेश्चन सिनेरियो लेकर आ रहे हैं, ये आपके आने वाले एग्जाम के इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग भी हमारा सहयोग कीजिए यहाँ पे, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के ग्रुप में, फेसबुक पे शेयर कर लीजिए अपने, है ना। चलिए घरेलू क्षेत्र, सी इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, यदि पूंजी स्टॉक स्थाई है तो मूल्य का ह्रास कितना होगा? यदि पूंजी स्टॉक स्थाई है तो मूल्य ह्रास होगा दोस्तों यहाँ पे 0, नोट कर सकते हैं, सी इज द राइट आंसर। ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए सेट है, और आपको यहाँ पे उत्तर जल्दी जल्दी करना है दोस्तों, तो फटाफट आंसर कीजिएगा यहाँ पे, बाकी क्वेश्चन के भी। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि की हिंदू दर पर किसने बनाया था? देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वृद्धि की हिंदू दर बनाई गई थी, ठीक है, तो राजकृष्ण के द्वारा ये किया गया था दोस्तों, सी इज द राइट आंसर। 28 नंबर, विश्व बैंक का एक अन्य नाम है वो क्या है? वर्ल्ड बैंक का एक अलग नाम है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक, ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 29, एक वर्ष का राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक के द्वारा करती है? बिल्कुल आंसर करेंगे यहाँ पे, इट्स अ बी, वित्त विधेयक का, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया था? बिल्कुल याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा कल्याण अर्थशास्त्री थे। क्वेश्चन नंबर 31, डॉलर के सापेक्ष रुपये को विनिमय दर से वृद्धि में निम्न में से कौन सा वर्ग लाभान्वित होता है? बिल्कुल जब वो आयात करते हैं, आयातक होते हैं, जी हाँ आंसर ए हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो यहाँ पे दोस्तों संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है, सी उत्तर कर सकते हैं यहाँ पे आप लोग, ठीक है। और इसमें एक ऐसी बेरोजगारी है हमारे देश में जिसे हम लोग कहते हैं कृषक बेरोजगारी, ठीक है, किसानों की बेरोजगारी, जो कि पता ही नहीं चल पाता, क्योंकि 70% ऐसे जो लोग हैं जो कि गांव में निवास करते हैं और वो कृषि से जुड़े होते हैं, और उनकी यहाँ पे कोई भी डेटा यहाँ नहीं ऐसा जिससे कि हमें पता लग सके कि लोग कितने बेरोजगार हैं वहाँ पे, ठीक है। चलिए तो ये एक है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, मुद्रा पूर्ति को कम करने के लिए मुद्रास्फीति, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं, मुद्रा पूर्ति को कम करके मुद्रास्फीति को रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बिल्कुल सी कर लीजिएगा आंसर यहाँ पे, विस्फीति कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं,
चलिए, विश्व व्यापार संगठन के साथ समझौता के अनुसार भारतीय पेटेंट अधिनियम 1999 में संशोधित हुआ था, वह अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 34 का उत्तर कीजिएगा दोस्तों, ये अधिनियम लागू किया गया था सन 1970 में। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। भारत में एक रुपए के नोट तथा सिक्के और छोटे सिक्के जारी किए जाते हैं किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, भारत में एक रुपए का नोट तथा जो सिक्के होते हैं और छोटे सिक्के होते हैं वो भारत सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं, ठीक है। बाकी जो है उसके ऊपर के रुपए वो RBI करती है। आंसर यहाँ पे बी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 36। किस अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण निर्भर करता है? जी हाँ, तो कुल बचत पर। सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, चलिए फटाफट आंसर करते हैं यहाँ पे। और देखिए, वीडियो का जो क्वेश्चन सिनेरियो है वो आपको पसंद आना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए रिपीटेशन हो सकता है आपके एग्जाम में पूछे गए हैं लगातार 20 सालों में ऐसे प्रश्न, तो आपको भी यहाँ पे रिपीटेशन से जूझना नहीं है, उसको सूझना है, बूझना है, ठीक है। आंसर कीजिएगा 37 का यहाँ पे, कि यदि आय के उच्च स्तर पर कर की दर को बढ़ा दी जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? उसको कहेंगे दोस्तों आरोही कर, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, नया पूंजी निर्गम रखा जाता है। चलिए 38 का आंसर कीजिएगा, नया पूंजी निर्गम कहाँ रखा जाता है? तो प्राथमिकी यानी कि प्राइमरी मार्केट में। सी इज द राइट आंसर, नोट कर लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39, देश में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? बिल्कुल ये है दोस्तों, नोट कर सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 का, राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है। चलिए आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 40, मूल लागत किसके बराबर होती है? 10 क्वेश्चन बचे हैं और ये 10 क्वेश्चन आपके जी हाँ स्कोर को बढ़ा भी सकती है। चलिए, ये करती है कौन सी सेवा? केंद्रीय सेवा नहीं है तो पुलिस, ठीक है। ये आंसर सॉरी माफ कीजिएगा, परिवर्तित मूल लागत जो है किसके बराबर होती है? तो परिवर्तित लागत के प्रशासनिक लागत का योग होता है। प्रशासनिक से तात्पर्य क्या है? तो पुलिस बल का। तो यहाँ पे क्वेश्चन और जुड़ा हुआ है इससे, कि कौन सी सेवा केंद्रीय सेवा नहीं है? तो भारतीय पुलिस सेवा जो है वो केंद्रीय सेवा नहीं होती है। ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, जो बैंक निपेक्ष बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस निकाल दे उसको क्या कहते हैं? तो मांग निक्षेप कहते हैं उसको। डी आंसर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, जो खर्चा कर दिया गया हो वह वसूल ना हो सके उसे क्या कहते हैं? निमग्न लागत कहते हैं उसको, ठीक है। सी आंसर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, विदेश में वस्तुएं जो हैं घरेलू विक्रय दाम से कम दाम पर बेचने को क्या कहते हैं? विदेश में वस्तुएं जो कि अगर भारत की चीज़ें हैं बाहर जाके अगर कम दाम में बिके तो उसे हम लोग डंपिंग कहते हैं, पाटना कहते हैं उसको, ठीक है। सी कह दीजिएगा। सपोज यहाँ पे अगर प्याज हमारा 20 रुपये किलो बिक रहा है और पाकिस्तान में जाके इसको हम 10 रुपये किलो बेचें तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? डंपिंग कहेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, बाजार नियम किसने प्रस्तुत किया था? क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर कीजिएगा, JBC ने, ठीक है। चलिए बी इज़ द राइट आंसर। चलिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 46, गांधी जी कड़ी को किसका प्रतीक मानते थे? चलिए आंसर कीजिएगा, गांधी जी कड़ी को किसका प्रतीक मानते थे? तो आर्थिक स्वतंत्रता का। बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है? आंसर करेंगे प्राथमिक और द्वितीयक, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है क्या होता है दोस्तों? तो अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है निर्यात को बढ़ावा देना। जी हाँ, बी इज द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन सिनेरियो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आज का प्रश्न बहुत ही कठिन था, इसलिए आप लोगों से मैं 20 क्रॉस करने के लिए ही कट ऑफ रखा था यहाँ पे, ठीक है। इसलिए ध्यान से, दो क्वेश्चन और हैं यहाँ पे। सर्विस टैक्स की उगाही का दायित्व किस पर है? केंद्रीय उत्पादक शुल्क विभाग पर। बी इज द राइट आंसर, नोट कर लेंगे।
और इस वीडियो का पीडीएफ आपको वाईटी एजुकेशन के टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, तो वहाँ टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए आप लोग जाके, ठीक है। टेलीग्राम में एक एप्लीकेशन है, अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, और उसको डाउनलोड करने के बाद वहाँ सर्च कीजिए वाईटी एजुकेशन, और वहाँ पर ये वीडियो का पीडीएफ आप सर्च कर सकते हैं सेट वाइज। तो सेट नंबर है 68 भारतीय अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 50, म्यूचुअल फंडों और स्टॉक मार्केटों का आधारभूत नियंत्रण अधिकार किसके पास है? तो ये है दोस्तों सेबी के पास, ठीक है। सेबी का फुल फॉर्म आप लोग बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और इसका हेडक्वार्टर भी हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बता चुके हैं, इसलिए आपसे पूछने का तो हक बनता है। तो आज के इस सिनारियों में करीब 50 प्रश्न आपसे पूछे गए जो कि अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए थे। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने भाई बंधुओं, अपने फैमिली मेंबर तक भी शेयर कर सकते हैं ताकि लोग इसके बारे में अवेयर हो सकें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं शाम के वीडियो में, और आपके लिए मैथ और हिंदी का वीडियो भी तैयार किया जा रहा है, बहुत ही जल्द उसका अनाउंसमेंट किया जाएगा। धन्यवाद।